किसने दिया था चुलबुल पांडे की मुस्टैश का आइडिया? कौन से सॉन्ग का रीमेक हुआ था दबंग में? नमस्कार, मूवीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का पिटारा बॉलीगार स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाईजान की मोस्ट लव फिल्म दबंग के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसे सुन के तो आप जरूर शॉक होने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि चुलबुल पांडे का ये कैरेक्टर, जिसे पूरी दुनिया बहुत ज्यादा पसंद करती है और कोई ना कोई इस लुक को कॉपी करता ही रहता है, अब चाहे वो शर्ट के पीछे गॉगल्स वाला अंदाज हो या हुड़हुड़ दबंग वाला स्टेप या फिर उस फिल्म के अमेजिंग डायलॉग्स। एक और चीज है जो फिल्म से बहुत ज्यादा फेमस हुई थी और खुद सलमान खान ने इसे पहली बार यूज किया था, और अब इसके बिना दबंग 1 हो या दबंग 2 या दबंग 3 या आने वाली दबंग 4 सबकी सब अधूरी है, और वो है चुलबुल पांडे की मुस्टैश। जी हाँ, पहली बार किसी फिल्म में सल्लू भाई ने मुस्टैश का यूज किया था, और एक इंटरव्यू में खुद उनके भाई अरबाज खान ने खुलासा किया है कि फिल्म दबंग में मुस्टैश यूज करने का आइडिया उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उनके भाई जान सलमान खान ने दिया था। और अब रॉबिन हुड पांडे को दबंग में मुस्टैश के बिना इमेजिन करना ही नामुमकिन है, वो लुक उन पे खूब सूट करता है, और अब आने वाली दबंग 4 में भी आपको ये लुक जरूर देखने को मिलेगा। सलमान खान के लुक्स के अलावा दबंग के आइटम सॉन्ग भी खूब हिट हुए थे, अब चाहे वो दबंग का हुड़हुड़ दबंग हो या मुन्नी बदनाम हुआ या दबंग 2 का फेविकॉल से या फिर दबंग 3 का मुन्ना बदनाम हुआ, सबके सब जबरदस्त हिट थे। और सल्लू भाई की एक्स भाभी जान मलाइका अरोड़ा के सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई ने तो आग लगा दी थी, पर क्या आप जानते हैं कि सॉन्ग असली नहीं था बल्कि एक रीमेक था? पर किसका रीमेक? दरअसल ये फिल्म रॉक डांसर के सॉन्ग लौंडा बदनाम हुआ का रीमेक था, और कुछ लोगों की माने तो ये पाकिस्तानी फिल्म मिस्टर चार्ली के सॉन्ग लड़का बदनाम हुआ का रीमेक था, पर कुछ भी कहो बेस्ट सॉन्ग तो मुन्नी बदनाम हुई ही था। और जैसा कि आप जानते हैं दबंग 4 भी जल्दी आने वाली है, तो देखना होगा कि कैसा होगा इस फिल्म का आइटम सॉन्ग, क्या पता वो भी किसी सॉन्ग का रीमेक ही हो, और देखना होगा कि कौन करेगा इस फिल्म का तड़कता फड़कता डांस नंबर। हो सकता है कि मौका किसी न्यू फेस को मिले, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सलमान खान ने कई न्यू फेसेस को लॉन्च किया है, तो हो सकता है इस आइटम सॉन्ग के लिए भी वो किसी न्यू फेस को लॉन्च करे, या फिर क्या पता उनके लेटेस्ट सॉन्ग मैं चला की हीरोइन प्रज्ञा अग्रवाल ये बाजी मार ले जाए, क्योंकि उन्हें सॉन्ग में काफी पसंद किया गया था। क्या पता ये सॉन्ग भी कोई रीमेक ही हो, बॉलीवुड में रीमेक बनना कोई नई बात नहीं है, पहले भी कई सॉन्ग्स का रीमेक बन चुका है, जैसे कि दिलबर, उस आकी साकी, याद पिया की आने लगी जैसे सॉन्ग्स का रीमेक बन चुका है, और लोगों ने ऐसे रीमेक्स को बहुत ज्यादा पसंद भी किया है। अब ये तो समय ही बताएगा कि फिल्म दबंग 4 का आइटम सॉन्ग रीमेक होता है या फिर कोई नया सॉन्ग क्रिएट किया जाता है। चलिए अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप चुलबुल पांडे को मुस्टैश के बिना इमेजिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।